नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं न्यूज NCR का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों से। फरीदाबाद IMA की सदस्य डॉक्टर अर्चना भाटिया का कोरोना संक्रमण से हुआ निधन। 8 साल के मंदबुद्धि बच्चे को पर्वतीय कॉलोनी के फरीदाबाद पुलिस ने 30 मिनट में ढूंढ कर किया परिजनों के हवाले। दिवाली पर पटाखे जलाने के दौरान असावधानी के चलते करीब 50 मामले आए सामने। अब नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में दोबारा नहीं लगेगा लॉकडाउन, सत्येंद्र जैन ने सभी अटकलों पर लगाया विराम। 8 महीने बाद खुला माहिम चर्च और हाजी अली दरगाह। महाराष्ट्र में एक प्रेमी ने युवती पर फेंका एसिड, घंटों तड़पने के बाद हुई मौत। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर बोले अमित शाह, मोदी सरकार उन सभी लोगों का कड़ा विरोध करती है जो प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंटते हैं। नीतीश कुमार बने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री, सरकार में 15 मंत्रियों ने ली शपथ। 370 हटने के बाद कश्मीर में नहीं चली एक भी गोली, अमित शाह बोले। अब रुक करते हैं मनोरंजन जगत की ओर। एक्टर धर्मेंद्र गाय भैंस चराते नजर आए, फार्म हाउस का वीडियो हुआ वायरल। नेहा कक्कर ने हनीमून पर फील इट रियल इट सॉन्ग पर जमकर किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। अब नजर डालते हैं खेल जगत की ओर। चेतेश्वर पुजारा का बयान, वार्नर और स्मिथ की मौजूदगी ऑस्ट्रेलिया टीम को मजबूत बनाती है। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर। अमेरिकी चुनाव 2020 में ट्रंप ने पहले कहा बाइडेन विजयी, फिर किया अपनी जीत का ऐलान। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज NCR।